आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए जयपुर के उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन भारत के विभिन्न शहरों और गांवों में वंचितों के लिए यूपीएफ शक्ति पहल के तहत मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता अभियान और सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह फाउंडेशन 24 फरवरी से 8 मार्च के दौरान देश भर में इस मुद्दे के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। बेटमा में चल रही शिव महापुराण कथा के दौरान यह फाउंडेशन नगर में पहुंच और सागर रोड पर से निकलने वाली लड़कियों और महिलाओं को 10,000 से ज्यादा सैनिटरी पैड का वितरण किया, जिन्हें लेने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए महिलाओं ने फाउंडेशन की सराहना की। फाउंडेशन से जुड़े डॉक्टर राजेश ने बताया कि वे 1 मार्च से 4 मार्च के दौरान जयपुर, राजस्थान से बेटमा, इंदौर, मध्य प्रदेश और वापस जयपुर तक 1300 किलोमीटर की बस यात्रा आयोजित कर रहे हैं, जिसमें वे मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे और अपनी इस यात्रा के दौरान वंचित लड़कियों और महिलाओं को 2.5 लाख से ज्यादा पैड वितरण करेंगे। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर अभी आने के लिए और हमारे इस काम को अपने दिखाने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, मैंने बचपन से लेके आज तक बहुत सी महिलाओं को महामारी के चलते उनके साथ गलत व्यवहार होते हुए देखा है। उनको अपने कई औरतें बीमारियों की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, कई लोगों के पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं होता, लेकिन महामारी के उन दिनों में वो बीमार होने के कारण या फिर कपड़ा इस्तेमाल करने के कारण, गंदी चीज़ों के संपर्क में आने के कारण बाहर नहीं जा पाती और पैसे भी नहीं कमा पाती, तो उन दिनों में उनके कई लोगों के परिवारों को भूखा तक सोना पड़ जाता है। इसी के चलते अपने आप से मैंने इन चीज़ों को देखकर, और ये मेरी माँ है, इनके सबके हम सबके एक विचार से हम लोगों ने ये शुरू किया, जिसकी वजह से हम कई महिलाओं और औरतों को लगातार 2 साल से उनकी सहायता करते आ रहे हैं। ना सिर्फ महामारी के दौरान में पैड्स बांट के, बल्कि उनके अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग स्कूलों और महाविद्यालयों में जाके उनको अवेयरनेस फैलाना, पढ़ी लिखी महिलाओं से लेकर अनपढ़ महिलाओं तक अवेयरनेस फैला रहे हैं। अभी तक इस यात्रा के दौरान हम लोग 2 लाख से भी ज्यादा, 2.5 लाख से भी ज्यादा पैड्स वितरित कर चुके हैं और आगे में जब जाएंगे इस यात्रा को पूरा करते हुए 28 और जगह पे रुक के हम उसमें और बढ़ोतरी करने का हमारा प्रयत्न है, जिसमें से हम 3 से 5 लाख तक पैड्स टोटल हम बांट सकते हैं। मेरा नाम आरजू शर्मा है, मैं उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजेश शर्मा है, मैं उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन का संस्थापक हूँ, जो कि जयपुर में स्थित है। हम भारत के 7-8 शहरों में ऑलरेडी 2 सालों से 12,000 महिलाओं को सैनिटरी पैड्स वितरण कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमको ये पता चला था कि वो महिलाएं बेचारी कचरे के ढेर में से और इसमें से कपड़े उठा के और अपने यूज करती हैं, जिससे काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ को बंद करने के लिए भारत जैसे बड़े देश में हम चाहते हैं कि जन चेतना जागे। इसके लिए हमने ये यात्रा 1300 किलोमीटर की निकाली है, जो कि जयपुर से शुरू होकर बेटमा मध्य प्रदेश में पहुंची है। हमने जयपुर से शुरू करके देवली, टोंक, कोटा, फिर उसके आगे झालावाड़, फिर इधर उज्जैन और इंदौर, और आप फाइनली बेटमा, ऐसे करके 14 स्टॉप्स पे रुकते हुए आए हैं और जाते वक्त भी हम 14 गाँवों को कवर करते हुए जाएंगे। तो ऐसे करके हम 28 स्पॉट्स पे ये जन चेतना जागृत करेंगे और 2.5 लाख से ज्यादा सैनिटरी पैड्स इसमें हम बांटेंगे। क्या पैड सिर्फ आप लोगों के बीच पहुंचकर बांटते हैं या कई लोग आपके किसी संस्था के माध्यम से जी जुड़ सकते हैं क्या? जी, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है www.udayprakashfoundation.org, आप उस पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप अपने एरिया में भी कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ के हमें बोलिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा उदय प्रकाश फाउंडेशन गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता भी है फ्री में, और हम कैंसर पेशेंट्स की मदद करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई कैंसर पेशेंट है और बहुत प्रॉब्लम है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपस्किलिंग उद्यम के लिए काम करते हैं, तो इन सभी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आके हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा, संस्थापक उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन। आज उदय प्रकाश फाउंडेशन की जो यहाँ पर एक बेटमा में जो कथा चल रही है, उसके आयोजन में उदय प्रकाश फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर कुछ पेड सैनिटरी पैड वितरित किए जा रहे हैं। ये एक फाउंडेशन है उदय प्रकाश के नाम से, वो यहाँ पर आकर के ये चीज़ें वितरण कर रहा है। और आइए हम इसकी पूरी जानकारी लेते हैं, जो हमारे साथ में सर आए हैं। सर, इसकी पूरी जानकारी दीजिए, क्या है ये चीज़, क्या वितरित कर रहा है? जी, हम उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन जयपुर से आए हैं। हम यहाँ पे 1300 किलोमीटर की यात्रा
मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस और सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं। तो भारत में बहुत सी जगहों पे, गांवों में, इवन शहरों में, स्लम एरियाज़ में महिलाओं के पास पैड्स या किसी भी तरह की सैनिटरी प्रोडक्ट्स उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी या और किन्हीं अन्य अवेयरनेस की, जानकारी की कमी, जागरूकता की कमी की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। उन बीमारियों से निपटने का तरीका यही है कि वो अपनी स्वच्छता बरकरार रखें और पैड्स का इस्तेमाल करें, और इस तरह की कोशिश करें कि वो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें और दूसरों को भी बताएं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस के बारे में काफ़ी सारे कैंप कर चुके, और भारत के 7 शहरों में हम हर महीने 12,000 से ज़्यादा लड़कियों को ये पैड्स और महिलाओं को पैड्स वितरित करते हैं, जो कि गरीब है। तो अब लेकिन हम इतने छोटे हैं, हमको लगा कि हमसे कितना ही हो पाएगा, तो हमने कोशिश करा कि हम एक 1300 किलोमीटर की यात्रा निकालें, और उस यात्रा में हम ये कर रहे हैं कि बेसिकली हम 28 स्पॉट्स पे अवेयरनेस फैला रहे हैं, और साथ में 2.5 लाख से ज़्यादा सैनिटरी पैड्स उनको वितरित कर रहे हैं, तो जिससे उनको पैड्स की उपयोगिता समझ में आए, साथ में उनको जानकारी मिले कि अपने शरीर की स्वच्छता कैसे रखनी है और बीमारियों से कैसे बचना है। तो ये उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं, और अभी हम आपके शहर बेतमा में आए हैं। अभी यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम बांट के चुके हैं, तो उससे काफ़ी हमें लगता है जन चेतना जागेगी, और हमने ये फ्लायर्स सब बनाए हैं और फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट भी किए, जिससे उनको जानकारी मिलेगी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी धन्यवाद जी। आप थोड़ा इसकी जानकारी देंगे, क्या चीज़ है आपको, ये आइडिया किस तरीके से आया, क्या आया, थोड़ा इसकी जानकारी। मैं अर्जुन शर्मा हूँ, उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन की डायरेक्टर। हम लोग पिछले 2 साल से इस कार्य को लगातार कर रहे हैं। एक महिला होने के नाते मैंने बचपन से इस चीज़ की कमी को पाया है कि भारतीय महिलाओं में जागरूकता की एवं उन मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के प्रति बहुत एक दुविधा है। उन्हें लगता है कि वो बीमार पड़ जाएंगे अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो, जबकि असली बात इसके पर उलट है कि वो अगर इनको इस्तेमाल नहीं करें और सही तरीके से अपना नहीं करें और सही तरीके से अपना ध्यान ना रखें तो वो बीमार पड़ सकती हैं, और वो पड़ रही हैं। आज के रेट में भारत में 70% से ज़्यादा महिलाएं सैनिटरी पैड्स का या फिर किसी भी और मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, जो कि हमारे इतने बड़े देश के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ का जन समूह हमारे पास आया पैड्स को लेने के लिए, जिसमें औरतें और आदमी सभी शामिल थे, और यहाँ के लोकल लोगों ने हमारा इतना सहयोग किया इस चीज़ में। यहाँ के पुलिस प्रशासन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ पे लोकल जो हमारे आसपास के लोग हैं, उन्होंने मिलकर हमारा ये कार्यक्रम बहुत संपन्न किया, और इसको एक सफलतापूर्ण तरीके से हमने ख़त्म किया है, और हम बहुत खुश हैं यहाँ पर आके कि यहाँ के लोगों को हमने इस तरीके से जागरूक बनाया। आप उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन के सोशल मीडिया चैनल्स पर जाकर प्लीज़ हमारा सहयोग करें, हमें फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें, और इसी नेक काम में और इसी तरह के और भी कामों में जो उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन करता है, जैसे कि अपस्किलिंग में, हमारा साथ दें और लोगों तक पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच कर भारत को ही नहीं, इस पूरे दुनिया को, इस पूरे देश को, इस पूरे वर्ल्ड को एक बहुत अच्छा जीने के लिए एक बहुत अच्छा जगह बनाएं और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। तो आपने देखा कि एक फाउंडेशन है जो इस तरीके की सेवा कर रहा है, जो महिलाओं को सैनिटरी पैड बांट रहा है, जो एक अवेयरनेस फैलाने की, जो महिलाओं को जागरूकता लाने के लिए इस तरीके की चीज़ें कोशिश कर रहा है, जो बहुत अच्छा पहले एक बहुत अच्छी कोशिश है। मैं राजेंद्र सूर्यवंशी, SW24 न्यूज़ के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।